आप नहीं जानती मां कि आपने हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। हमें हमारी सासू माँ में मां मिल गई। और हमारा यकीन मानिए, हमें जिंदगी में और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक माँ चाहिए थी और कुछ भी नहीं। हमारी माँ। आपकी परियाद बहुत खुश है, बहुत खुश। थैंक यू, क्योंकि आज उसे अपनी माँ मिल गई है। हमें माँ मिल गई है, माँ, हमें माँ मिल गई है। और हम जानते हैं ये सब कुछ आपने किया हमारे लिए। थैंक यू भगवान जी, और थैंक यू दादी, आपने जैसा भी कहा था वैसा सब कुछ हो गया। हमें हमारी सासू माँ में माँ मिल गई है। सत्तू, आज तू मेरे तरफ देखेगा भी नहीं ना? कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुझे बहुत तकलीफ पहुंची है, जिसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। लेकिन जो हुआ उसके लिए तेरी माँ तुझसे माफी मांग रही है सत्तू। मैं जानती हूँ सत्तू, जानती हूँ कि तू मुझसे बहुत नाराज है, क्योंकि मैंने तेरा विश्वास तोड़ने के साथ साथ तेरा दिल भी तोड़ा है। माथी मारी गई थी, जो भी सही गलत की सुध बुध खो बैठी। ऐसी गलती करती जिसने तेरी शादीशुदा जिंदगी कोई बर्बाद कर दिया, और मुझसे मेरे सत्तू को दूर कर दिया। मैंने बहुत गलत किया सत्तू, हो सके तो अपने माँ साहब को माफ कर देना। ऑफिस का बहुत सारा काम बाकी, हम चलते हैं। सत्तू, तू मेरा अच्छा बेटा है सत्तू। पता है कि तू मुझसे नाराज है, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहेगा,
अपनी हिम्मत जुटा के ये सच मैंने सबके सामने कहा है, क्योंकि मैं तुझे इस रिश्ते में नाखुश नहीं देख सकती। और अब तुझे हिम्मत जुटानी होगी। मेरी गलतियों के वजह से जो हक तूने परी को अपनी धर्म पत्नी को नहीं दिया, अब दे उसे। बहुत अरमानों से एक लड़की अपना पूरा परिवार छोड़ के एक अनजान घर में आती है, और वो प्यार और विश्वास देना हमारा फर्ज है। उसके नजरों में खड़ा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। सत्तू, मेरी गलती के वजह से उसके अरमानों का गला मत घोट। परी एक अच्छी लड़की है और खुशी की हकदार है। वो तेरा संसार और भी खूबसूरत बना सकती है। बस अपना हाथ आगे बढ़ा और उसे अपना। सत्तू, यही मेरी गलती का पश्चाताप होगा। हमारी माँ साहब कभी झूठ नहीं बोल सकती, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये अपना हाथ भी काट देगा ना, तभी भी हम ना माने। ये हमारा विश्वास है, विश्वास कभी नहीं हारता। अम्मा, बड़ा बोझ था दिल पे, अब जाके थोड़ा हल्का हुआ। एक बात पूछूं अम्मा, मेरी हरकत से तो आपका दिल ही टूट गया होगा ना? आपने तो सोचा भी नहीं होगा कि आपकी बहू ऐसा भी कर सकती है। सच बताएं तो जब हमें पता लगा था तो बहुत तकलीफ हुई, लेकिन तूने सबके सामने गलती मान के जो किया उससे हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तभी तो हम कहते हैं पूरे लखनऊ में हमारी बहू जैसी दूसरी नहीं। बस एक ही डर है अम्मा, कहीं मैंने अपनी गलती मानने में बहुत देर तो नहीं कर दी। सत्तू और बहू के रिश्ते में जो दरार आई है, कहीं वो इतनी बड़ी ना हो कि कभी भर ही ना सके। क्या करें, रुके, क्या हो गया आपको? आप तो सबका सही हो गया, फिर अपने आप को सजा क्यों दे रहे हैं? पत्नी है आपकी, और हमारा ये जानना हक बनता है कि आपको ऐसा क्या हो गया है। प्लीज बताइए हमें, कुछ तो बोलिए। सत्तू जी, आप चुप क्यों हैं? पहले हमारे रिश्ते में गलत फहमियों की वजह से दूरियां बनी रही, और अब हमें आपकी चुप्पी की वजह समझ में नहीं आ रही है। प्लीज कुछ बोलिए, हमें कुछ बताइए। देखिए, अगर आप रोना चाहते हैं तो आप रो दीजिए, लेकिन अपने जज्बात ऐसे मत दबाइए। कुछ बोल दीजिए, बोलिए। ठीक
अगर आप यही चाहते हैं तो आपकी मर्जी, जैसा आपको सही लगे। हमारे बीच की दूरियां, गलत फहमियां मिटने के बावजूद भी अगर आप रिश्ते से खुश है ही नहीं तो शायद हमारे रिश्ते में ही कमी है। शायद हमारे बीच में वो प्यार, वो विश्वास पनप ही नहीं पाया। शायद हम में कोई कमी है, इसलिए बेहतर ये होगा कि अब चले जाए हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से, छोड़ दे आपको अकेले हमेशा हमेशा के लिए। ऐसे आधे अधूरे रिश्ते यूं निभ नहीं पाते, अच्छा तो कल उनका अंजाम निकल ही आता है। और ऐसे में हम इस रिश्ते को खींचना नहीं चाहिए। इस घर में रहने का हमारा क्या फायदा है? रिश्ता घर से नहीं होता है, रिश्ता घर वालों से होता है। हम माँ साहब से इजाजत लेके हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे यहाँ से। रुकिए फरीज, आप जाएंगी तो हमारी जिंदगी से सब चला जाएगा। फरीज जी, हमें तो ये भी नहीं पता हम क्या कहें। वो कहना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि अगर आप चली गई ना परेश तो हमारी जिंदगी बेडोर पतंग जैसी हो जाएगी, जिसे भी नहीं पता होगा कि वो कहाँ उड़े कहाँ मुड़े। पता है परेश, बचपन से ही ना कभी किसी से दिल की बात कह नहीं पाए, जब भी कहने गए तो जुबान पत्थर हो गई। आप आई जिंदगी में, ऐसा लगा कि अब कोई है जो हमारे दिल की बात समझ सकता है, हमारे बिना बोले। हमने बहुत दुख दिए परिजन, बहुत तकलीफ पहुंचाई, हम तो आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे। आपसे दिल से माफी मांगते हैं परिजन। आखिर सारी सच्चाई के बाद हुआ क्या? हार हमारी, रिश्तों और विश्वास की हार। हमें माफ कर दीजिए फरीज, हम अपनी तरफ से और अपनी माँ साहब की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। चाहिए इस घर को छोड़ के हमें, पर इस घर को आपकी बहुत जरूरत है। मत जाइए। अरे हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि परी माँ साहब की आंखों का तारा हो गई एकदम से आने। तो देवर जी तो पहले से ही पूरे घर में सबसे अच्छे थे, और अब ये परी माँ साहब को माफ करके सबसे अच्छी हो गई है। अबे माँ साहब को माफ करके, आपको पता भी है परी को माँ साहब की नजरों से गिराने के लिए कितनी मेहनत लगी थी हमारी, सब गुड़ गोबर। आज सब देवर जी और परी की खुशी की प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। हमें तो ऐसा लगने लगा है कि अब परी की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढनी पड़ेगी।
अब ऐसा भी नहीं है भाभी, अभी दूध उबाले मार रहा है, थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर देखिएगा कैसे हम उसमें निचोड़ते हैं नींबू। अरे वाह, हमारी बिटिया तो बड़ी सुंदर लग रही है, दिल की खुशी चेहरे पे झलक रही है। तो तुम बहुत खुश है, लेकिन हमें आपसे माफी मांगनी है। बहुत सारी बातें छुपाई हमने आपसे। पति पत्नी के रिश्ते में आपसी मनमुटाव तो होते रहते हैं, लेकिन अच्छी पत्नी वही कहलाती है जो अपने रिश्तों की उलझी हुई डोर को सुलझाने की कोशिश तो करे, लेकिन किसी को इसकी भनक न लगने दे। अब बहुत अच्छे हैं दद्दू। बेटा, हमें भी तुझसे कुछ कहना है। दरअसल हम दिल से कभी तुझे इस घर से नहीं निकालना चाहते थे, हमें माफ कर दे। दद्दू प्लीज ऐसा मत कहिए। माँ साहब के साथ हमारे रिश्ते में, सतु जी के साथ हमारी शादी में सिर्फ एक सच की कमी थी, जिसको आपके इस झूठे नाटक ने पूरा कर दिया। ततो, आप तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? क्या आप हमारे साथ मंदिर नहीं चल रही? ना बिटिया, इन दिनों इतना कुछ हो गया, तेरा एक्सीडेंट, शिवपाल का आना, भावना का सच बताना, हम बहुत थक गए, थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। ततो, एक बात अभी तक हमारे गले से नहीं उतर रही है कि पापा जी छोटे बाबू बन के हमारे घर तक पहुंच गए, माँ साहब के इतना करीब, पर वो अचानक से गायब क्यों हो गए? कौन गायब हो गया अचानक? अरे भावना, वो जो परी को यहाँ लेकर आए थे, वो बात तो सच में अजीब है। मैंने उनसे कहा था कि जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक घर पे ही रहना है, पर वो बिना बताए गायब हो गए। हो सकता है ठीक महसूस कर रहे हो और अपने घर चले गए हो। सत्तू, एक काम करना, मंदिर से लौटते वक्त उनके घर होते हुए आना। जी माँ साहब। अम्मा, तो नहीं चल रही है अब? तुम लोग जाओ, हम आराम करेंगे। जय सिंह, चलो। श्री राम, सीता माँ, आपकी जोड़ी संसार में सबसे आदर्श जोड़ी है। आपके मन में माँ सीता के लिए जो प्रेम है, उसकी तुलना पूरे जगत में किसी से नहीं की जा सकती। आपसे बस यही प्रार्थना है कि मेरे सत्तू और परी के जीवन में भी ढेर सारा प्रेम और खुशियाँ भर दीजिए। ये भगवान के चरणों का पवित्र सिंदूर है, लो। सत्तू जी, हमारी शादी की बुनियाद एक झूठ पे खड़ी थी, इसलिए शायद हम खुश नहीं रह पा रहे थे। झूठ पे रिश्ता चलता भी कैसे, मगर अब हमें एक नई शुरुआत करनी है। सत्तू जी, हम अपने रिश्ते को इतना मजबूत बना लेंगे, कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत हमें अलग ना कर पाए।
आ गए ये लोग। परी जी, तू सत्तू के साथ आ जा। सत्तू, इसे लेके इसके मायके आ जा। मां साहब, हमारे घर अचानक से क्यों?